बुंदेला तेरा पानी गजब कर जाए, गागर न फूटे चाहे खसम मर जाए। ये लाइन बुंदेलखंड इलाके के लिए सटीक बैठती है, क्योंकि भीषण जल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड इलाके में हमेशा से ही पानी के लिए लड़ाइयाँ होती हैं और खून बहता है, क्योंकि यहाँ पानी महंगा और खून सस्ता है। वहीं हमीरपुर जिले में भी जल संकट गहराने लगा है। तालाब, कुएं, हैंडपंप सब सूख गए हैं, और जहां पानी की थोड़ी गुंजाइश है वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है। पानी को लेकर मारपीट, खून खराबा यहां आम बात है। यूपी के हमीरपुर जिले में आज फिर पानी भरने के लिए हैंडपंप पर महिलाओं में अपना नंबर लगाने को लेकर विवाद हो गया। इस वीडियो में एक महिला हैंडपंप से पानी भर रही होती है, तभी दूसरी महिला कुछ कह देती है, जिसके बाद पानी भर रही महिला का पारा चढ़ जाता है और वो हैंडपंप पर ही तीनों महिलाओं से आपस में आहतापाई शुरू कर देती है। बताया जा रहा है कि यहाँ पानी की टंकी भी बनी है, लेकिन वो पिछले 6 महीनों से खराब पड़ी है। ऐसे में सिर्फ यही एक हैंडपंप है जो आधे गाँव की प्यास बुझाता है, लेकिन यहाँ भी अक्सर पानी के लिए विवाद होता रहा है। हमीरपुर जिले के सरीला तहसील के बड़खेड़ा गांव की ये तस्वीर है, जहाँ सरकार के उन तमाम दावों की पोल खुल रही है, जो बुंदेलखंड में समुचित पानी की व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं के संचालन की बात कह रही है। पानी, पानी, सिर्फ और पानी। जिस इलाके के लोगों की ज़िंदगी का मकसद ही पानी हो, वहाँ के लोग पानी के अलावा कुछ और भी क्या सोच सकते हैं। ऐसे में पानी के लिए खून खराबा सिर्फ आम बात है।